प्रोग्राम फन और फनकार में आपकी मेज़बान हिना खालिद का सलाम। मौसीकी हर दौर के शायकीन को अपनी तरफ मुतवज्जे करती रही है। मौसीकी को ज़ौक़ो शौक़ से सुने जाने का सबब ही इसकी मुसलसल आगे बढ़ने का बाइस बना। बादशाहों के दरबार से मौसीकी निकलकर जब आम जबान तक पहुंची, तो इसको बहुत ज़्यादा फ़रोग हासिल हुआ। थिएटर की मकबूलियत में इजाफा भी मौसीकी की ही वजह से हुआ। इस तरह मौसीकी फिल्मों की कामयाबी का लाजमी जुज़ बन गई। उसके बाद एक दौर ऐसा आया कि जब उस्ताद ग़ुलाम अली ख़ान और उस्ताद बरकत अली ख़ान के अलावा कई फ़नकारों ने अपनी आवाज़ों से इनकलाब बरपा कर दिया। अवामी सतह पर KL सहगल ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया। उसके बाद हल्की फुल्की मौसीकी का ज़र्रीन दौर शुरू हुआ, जिसमें नूरजहां, तलत महमूद, मोहम्मद रफ़ी, सुरैया और लता मंगेशकर की आवाज़ें मौसीकी में ढल कर कानों में रस घोलने लगी। मौसीकी और सुरीले गीतों का ये सुनहरी दौर था, जो तकरीबन 25 बरस पर मुहित रहा। उसके बाद पाकिस्तान वजूद में आया और पाकिस्तानी मौसीकी ने अपने नगमेबार सफ़र को जारी रखा। इन आवाज़ों में नूरजहां, मसूद राना, अहमद रुश्दी, सुरैया, ज़ुबैदा खानम, माला और महनाज तक इस दौर की यादें और उनकी झलकियां मौजूद रहीं। उस दौर की यादें अब तो अमर गीतों में ढलकर ज़िंदा रह गई हैं। ये गीत आज भी ज़ौक़ो शौक़ से उसी तरह सुने जाते हैं जैसे ये गए दिनों की बात ना हो। और आइए अब देखते हैं महनाज का एक खूबसूरत गीत पश्तो धुन पर।